वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आपको बता दूं यार, ये चैप्टर में से कोई डिलीटेड सिलेबस हो चुका नहीं है, पूरा की पूरा चैप्टर है ये। तो इसमें करना क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कौन से सवाल करना चाहिए, ये मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले हम लोग बात करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो PYQ है, और कौन से सवाल को फोकस करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी यहाँ पे सबसे पहले केल्विन मेथड को, सवाल को नहीं करना चाहिए ज़्यादा, थोड़ा सा करो, क्योंकि ये जो है ये हमारे इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत ईजी है। कैसे, क्योंकि हम लोगों को जिसको मीटर ब्रिज आता है, जिनको मीटर ब्रिज आता है उनको बहुत ईजी लगेगा मीटर ब्रिज करने वाला सवाल। यही सवाल है मीटर ब्रिज का, जो सवाल है बच्चों मैं बता देता हूँ कि ये हमारा मीटर ब्रिज का सवाल है, एल एक्स बाई एल आर, कुछ नहीं। जिन बच्चों को ये सवाल करना है केल्विन में, बस जी लिखो, ये आर लिखो, ये जी लिखो, यहाँ पे एल आर, बस एक्स के जगह पे जी होना चाहिए। इस सवाल को ऐसे किया जाता है, इसलिए करो। क्रिचॉफ्स लॉ सबको पता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ की सम करो और जीरो करो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर सबसे सिंपल है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, पता है सबको, है ना। फोर्थ नंबर है स्टेट, देखो एरर कैसे आता है, एरर आपको पता है, एक तो वायर जो होता है ना बेटा, किंग्स ऑफ द वायर मतलब बोलते हैं ना पीड़ना ऐसे, तो उसको टाइट करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे मेटल स्ट्रिप इस्तेमाल किए हैं, उसके ऊपर कार्बन रेजिस्टेंस आ सकता है, बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं कि जो आप लोगों को ऐसे जॉकी को स्लाइड करोगे टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। केल्विन मेथड यहाँ पे बहुत आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मीटर ब्रिज कर रहे तो केल्विन मेथड कर लो, केल्विन मेथड को कम महत्व दिया गया, मीटर ब्रिज को ज्यादा दिया, लेकिन ठीक है। स्टेट एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या, पोटेंशियोमीटर को सबको पता है यार कि वो ने क्या, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है, वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। वोल्ट मीटर ने क्या, बड़े बड़े ओनली मोटे मोटे तौर पर ही वो मेजर करता है वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में डिस्क्राइब द पोटेंशियोमीटर यूज टू कंपेयर द ईएमएफ, देखो कंपेयर द क्या किया, सेल सम एंड डिफरेंस मेथड, मतलब ये है E1 by E2, ये फार्मूला आपके बुक्स में होगा, L1 plus L2, यहाँ पे L1 minus L2, ये फार्मूला। Obtain the balance condition of Wheaton bridge, मतलब X is equal to आपको ये फार्मूला LX by LR, है ना, नहीं नहीं सॉरी, ये R1 by R2, यहाँ पे R3 by R4, या कभी P/Q R by S भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लानामीटर, ग्लानामीटर का केल्विन मेथड जो मैंने बताया था, जी है ना, यहाँ पे R, यहाँ पे LG by LR, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बढ़ते आगे बेटा, डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल कनेक्ट इन द सेपरेटली मेथड, ये सेपरेट है, तो ये सेपरेट है तो कैसे लिखोगे यार, यहाँ पे तो E1 by E2, L1 by L2, ये फार्मूला। एक्सप्लेन विद द नीट सर्किट डायग्राम, डिटरमाइन क्या करना बेटा, अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज, अननोन रेजिस्टेंस मतलब यक्स, वही फार्मूले है। कितने बार सवाल पूछ रहे हैं, रिपीट हो रहा है कि नहीं सवाल, एक्सप्लेन विद द सर्किट डायग्राम है बेटा, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस यक्स, वही है मीटर ब्रिज का ये और ये सवाल में, बस पूछने का तरीका अलग है यार, सेम हो गया क्या, नहीं सवाल तो सेम ही, खाली यक्स बाय यूजिंग मीटर ऐसा बोला, यक्स बोला है बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यही सवाल है, रिपीट रिपीट होते रहते हैं। दोबारा मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगा, जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा सा मीटर, यहाँ पे एमीटर एंड वोल्ट मीटर करना है, अमीटर एंड वोल्ट मीटर करना। कौन कौन से सवाल करोगे, कौन से करोगे क्वेश्चन, क्रिचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, व्हीटन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पांच सवाल करो, पांच सवाल के सवाल आपको आते रहेंगे, बस रिपीट रिपीट होता है। अगर आपको देखने में दिक्कत होती तो मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे मुकेश सर चैनल पे, वहां पे जाके देखो, ताकि आपको बहुत बढ़िया हेल्प हो सकती है। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ और वहां से डाउनलोड करो अपने पूरे के पूरे ये PYQ नोट्स, हर चीज वहां पे भेजते रहता है। चलो बाय एंड थैंक्स।